नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोना भट्ट और आप सबका स्वागत है टेक होम टिप्स में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए खास सर्दियों में पसंद किए जाने वाले मेथी के पराठे की बहुत आसान रेसिपी लेके आई हूं। हम किचन में ही अवेलेबल कुछ मसाले इसमें डालेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे और आपके नॉर्मल से पराठों को कुछ स्पेशल बना देंगे। क्रंची स्वाद से भरे हुए मेथी के पराठे की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मेथी के पराठे। तो यहाँ पर मैंने ली है मेथी। तो सबसे पहले मैंने मेथी को इस तरह से तोड़ लिया है, तो इसका जो लंबा वाला स्टेम वाला सेक्शन था वो मैंने पूरा हटा दिया है और मैंने लीव्स को रखा है। जो आसपास का छोटा सा सेक्शन है वो मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो काफ़ी मुलायम है, तो उसे मैं छोड़ दूंगी और बाकी मैंने सारी इसका डंठल वाला पार्ट अलग कर लिया है। देखिए इस तरह से बहुत आसान सा प्रोसेस होता है, आपको सिंपली तोड़ना है और ऊपर की लीव्स को आपको रखना है। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम्स यानी आधा किलो लिया था और अब इसका सब हटा के डंठल डंठल हटा के लगभग 300 ग्राम 250-300 ग्राम बचा है। तो इसे बहुत अच्छे से मैंने धो लिया है और देखिए इस तरह की एक नेट वाली बास्केट में रखा है। लगभग 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ा ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। तो बहुत अच्छे से धोएंगे, हरी सब्जी है क्योंकि, और उसको नेट वाली बास्केट में रखेंगे। इसके साथ मैंने एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, उसे बहुत बारीक काट लिया है और दो लगभग मैंने हरी मिर्च लिए हैं, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। तो ये हमने बेसिक तैयारी कर ली है। अब मैंने एक परात ले ली है, आप चाहें तो बड़ा मिक्सिंग बाउल या बड़ी थाली ले सकते हैं और इसमें मैं मेथी को इस तरह से देखिए चाकू से रफली काट लूँगी। बहुत फाइन काटने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही रफली थोड़े थोड़े बंच उठाते जाइए, छोटी छोटी गट्ठे उठाइए और इसे इस तरह से रफली काटेंगे। तो बेसिक मोटो ये है कि हम इसे काट लेंगे ना तो ये हमारे आटे में अच्छे से गूंदेगी और बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगा, वरना आपको मैश करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरह से हम कर लेंगे और प्याज और हरी मिर्च जो मैंने काटी है वो भी मैं इस परात में डाल दूंगी मेथी के साथ। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले जो हमारे पराठे को बहुत अच्छा सा एक यूनिक टेस्ट देंगे। तो नमक डाल रही हूँ आधा चम्मच, आप स्वाद के अनुसार बढ़ाए घटा सकते हैं, और आधा छोटी चम्मच में डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर, और इसके साथ मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा और मसाले जैसे कि अजवाइन, जो बहुत अच्छा मेथी के पराठे में स्वाद देते हैं। तो आधा चम्मच में आधा छोटी चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा ही लगभग आधा छोटी चम्मच में जीरा डाल रही हूँ, और इसके साथ हम डालेंगे इसमें थोड़े से और मसाले जैसे कि हींग। तो अगर आप हींग पसंद करते हैं तो हींग डालिए, बहुत बेहतरीन स्वाद आएगा, आपको एक यूनिक सा टेस्ट भी ज़रूर देगा। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ सौंठ यानी कि सूखा हुआ अदरक का पाउडर। तो इस थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं आज। और आधा चम्मच में डालती हूँ गरम मसाला। तो ये बेसिक जो मसाले थे वो डल गए हैं। सौंठ डालने से क्या होगा, बहुत अलग सा इसमें एक स्वाद आएगा जो आपको बहुत अच्छा सा लगेगा। और अब हम डालते हैं इसमें आटा। तो आटा मैं डाल रही हूँ 3 कप। तो इसको ध्यान में रखिए कि हमारा जो ये आज पराठे बना रहे हैं ये ज़्यादा इसमें मेथी का फ्लेवर होगा, तो हमने इसमें आटा बहुत ज़्यादा नहीं रखा है, हमने 3 कप आटा रखा है। और इससे क्या होगा कि मेथी का बिल्कुल इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, और क्योंकि मेथी हम डाल रहे हैं तो हमने रिच तो कर ही दिया है, उसको हेल्दी बना दिया है, तो क्यों ना इसको और टेस्टी और हेल्दी बनाया जाए। तो साथ में थोड़े से मसाले भी हमने ऐड किए हैं। अब देखिए इसको इस तरह से ना दबा दबा के हम मसलेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो मेथी है वो थोड़ा सा टूटेगी और उसमें जो मॉइस्चर है वो आटे में आ जाएगा। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो ऐसा मत कीजिएगा कि जैसे ही मिलाना शुरू किया वैसे ही पानी डाल दें, तो उससे क्या होगा आटा गीला लग जाएगा और वो स्वाद नहीं आएगा। तो पहले मसल लेंगे उसके बाद हम पानी डालेंगे, और पानी भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक साथ पानी कभी भी नहीं डालना चाहिए आटा गूंदने में, या कोई भी जो है हम फ्लावर को गूंद रहे हैं तो पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए, उससे हमें एग्जैक्ट पता रहता है कि कितने पानी की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और हाथों से मसलते हुए दम लगाते हुए हम इसको आटा इसका बनाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ और दम लगाती जा रही हूँ, यकीन मानिए दम तो लग रही है अच्छी वाली, क्योंकि मसलना पड़ेगा, जब आप मसलेंगे तभी इसमें जो है अच्छा सा फ्लेवर आएगा मेथी का। तो मेथी का फ्लेवर डालने के लिए थोड़ा अच्छे से इसे मसलिए, और फिर देखिए सर्दियों में खाने की यही अच्छी खासियत मुझे लगती है कि इतनी सारी चीज़ें आती हैं,
इतनी हेल्दी वेजिटेबल्स आती हैं, बस पराठे बनाते जाइए, खाते जाइए और लोगों को भी खिलाते जाइए। लेकिन थोड़ी मेहनत तो लगती है भाई, अब स्वाद का खाना है तो मेहनत तो लगेगी। तो इस तरह से देखिए मेरा एक डो तैयार हो गया है, थोड़ा सा भी मॉइस्ट है, बहुत सूखा सा नहीं बनाएंगे क्योंकि जब हम इसे थोड़ी देर रखेंगे तो थोड़ा ड्राई होगा, आटा पानी सूखता है तो थोड़ा ड्राई होगा। तो यहाँ पर बेसिक थोड़ा सा डो हमारा तैयार हो गया है, एक चम्मच घी डालेंगे। तो ये एक अलग सा ट्विस्ट है, आप घी डालिए और फिर देखिए थोड़ा सा आधे मिनट की और हम थोड़ी सी इसमें मेहनत करते हैं, थोड़ी कसरत कर लेते हैं और इसको एक दो बार थोड़ा सा और गूंद लेते हैं। तो घी जब इसमें जाएगा ना, उसका फ्लेवर अंदर से सॉफ्ट से पराठे और आप जब सेकेंगे उसको घी के साथ, तो बाहर से क्रंची से आहा हा मज़ा ही आ जाने वाला है बस। तो बस इस तरह से इसे गूंद लेते हैं आधा मिनट। और यहाँ पर देखिए आटा बिल्कुल बन के तैयार है, आटा हमारा लग गया है। और बस अब इसको लगभग 15 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ दीजिए ताकि जो इसमें मॉइस्चर है वो थोड़ा सा परफेक्ट सेट हो जाए। तो यहाँ पर हमारा आटा हम रख देते हैं। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं, पहले आटा जो छूने में बहुत हल्का लग रहा था, अब देखिए थोड़ा सा ये फर्म हो गया है और ये अब पराठे बनने के लिए तैयार है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया है, पलथन जिसे कहते हैं हम, और अब इससे हम लोइयां बना लेंगे। तो इससे बाउल बनाने में सबसे बड़ी बात ये है कि आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत छोटी छोटी लोइयां मत लीजिएगा, थोड़े मीडियम साइज़ का लेंगे हम और उससे हम बनाएंगे आज पराठे। तो इस तरह से हम इसमें पलथन लगा लेंगे, आटा जो भी हमने लिया है उसको हम इस तरह से लगा के हम सारे ही जो हमने आटा गूंदा है इसकी एक राउंड शेप की बॉल्स बना के रख लेते हैं। तो एक काम ये है एक साथ कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे ही देखिए बॉल्स बना ली हैं और एक एक करके सारी बना ली है, आप भी बना लीजिए ताकि एक साथ ही ये वाला प्रोसेस हमारा हो जाए। तो ये मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ और हमारी देखिए इस तरह से बॉल्स तैयार हैं। तो बस अब बेसिक हमें क्या करना है कि जब हमारी ये सारी बॉल्स तैयार हो जाएंगी, हमें चाहिए एक बेलन यानी कि रोलिंग पिन। और हमने आटा तो लिया ही है अलग से ताकि जब हम बेलेंगे तो हमें ऊपर से थोड़ा सा डालना पड़ेगा। और साथ में ले लीजिए घी जिससे आप अपने पराठे तलेंगे या सेकेंगे। ज़्यादा तेल डालेंगे तो तलना ही हो जाएगा और तो थोड़ा डालेंगे तो सेकेंगे। आप अगर घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई भी और तेल ले सकते हैं, पर घी से बनाइए बहुत मज़ा आएगा। और इसके साथ देखिए मैंने एक बॉल ले ली है और उसमें मैंने थोड़ा सा आटा डस्ट करके उसको बेलन की मदद से मैं इस तरह से राउंड शेप में उसको बेल रही हूँ। तो इन पराठों की सबसे ख़ास बात यह है कि आप जितना पतला इन्हें बेल पाएंगे उतना ही ये अधिक स्वादिष्ट बनेंगे। तो आप अच्छे से जितना हो सके बेलिए पतला और पलथन लगाते जाइए, आटा एक्स्ट्रा लगाते जाइए और इसको बेलिए। शेप की बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा क्योंकि इसमें हमने मेथी डाली है और मेथी की वजह से थोड़ा सा किनारे से शेप इसकी बिगड़ेगी। बहुत एग्जैक्ट आप जिसे कहते हैं अगर राउंड शेप आएगा तो नहीं इस तरह का आएगा, पर आप कोशिश कीजिए और हाथ से भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको जैसे इस तरह से बेलते हुए अगर बीच में आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ गैप आया तो आप उसको उंगली से दबा के फिल कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से मैं हाथों से इसको एक राउंड शेप दूंगी और अब हम इसे निकाल लेंगे। और हमने जो तवा गैस पे रखा है मीडियम गैस फ्लेम पे, उसको उसके ऊपर हम इसे डाल देंगे। तो बहुत सावधानी से डालिएगा क्योंकि तवा गर्म है और आपका हाथ नहीं जलना चाहिए, बड़े आराम से हम इसे डालेंगे। अब देखिए किस तरह से ये बीच बीच से ड्राई होने लगा है और इसका कलर देखिए चेंज होने लगा है। तो अब हम इसे एक स्पैचुला की मदद से टर्न कर देंगे, अपसाइड डाउन कर देंगे, ऊपर वाला सेक्शन नीचे कर देंगे और इस तरह से देखिए हम नीचे वाले सेक्शन को भी अच्छे से पकाएंगे। तो अब हमने जो घी लिया है, हम ऊपर वाला सेक्शन क्योंकि अच्छे से पक गया है तो यहाँ पर हम घी लगा देंगे। घी की क्वांटिटी टोटली आप पे डिपेंड करती है, आप जितना लगाना चाहते हैं उस हिसाब से लगाइए। और देखिए इस तरह से मैंने घी लगा दिया है। अगर आपको बहुत स्वादिष्ट पराठे खाने हैं ना तो आप इस तरह से चम्मच से दबा दबा के यानी सेक सेक के इन्हें पकाइए, बहुत अच्छे स्वाद आएगा। और अब मैं इसे टर्न कर देती हूँ और ऊपर वाली परत में भी हम घी लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए घी लगा लेंगे और चम्मच से दबा दबा के जो स्पैचुला है ना करछी, इसे दबा दबा के आप पराठों को सेकिए। इससे क्या होगा, एक तो बहुत अच्छे से पकेंगे और स्वाद मेथी का स्वाद जो पराठे में आएगा, मतलब उंगलियां चाट के खाएंगे। अगर आपको दो खाने की भी इच्छा होगी ना तो आप चार खाएंगे। और देखिए इस तरह से ये पकेगा तो आप देख रहे हैं ना कैसे इसमें ब्राउन सा क्रस्ट आ रहा है जो इसको बाहर से बहुत एक क्रिस्पी क्रंची सा लुक देगा।
और पराठे के स्वाद में तो क्या चार चांद लगाएगा। तो देखिए इस तरह से मेरा पहला पराठा तैयार हो गया है और मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और हम अब दोबारा यही सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए पराठे बनाते जाएंगे। तो आप दोबारा से बेलिए और डालिए तवे पे और फिर जिस तरह से ये ड्राई हो उसके बाद आप इसे टर्न कीजिए, घी लगाइए, दूसरी तरफ पकाइए, चम्मच से दबा दबा के पराठों को बहुत शानदार तरीके से सेकिए और फिर प्लेट में निकालिए। और यही प्रोसेस करते करते आप सारे पराठे बनाइए और आप कह उठेंगे कि आहा, मेथी के पराठे तो ऐसे ही होने चाहिए। मेथी के पराठे बनाइए, सबको खिलाइए और कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपके मेथी के पराठे कैसे बने। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आप पराठे देख रहे हैं ना कि कितने शानदार हमारे पराठे बने हैं। मेथी के पराठे की ये यूनिक और मसालेदार रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं जल्दी ही मिलूंगी और एक्साइटिंग फूड रेसिपीज़ के साथ। तब तक टेक होम टिप्स देखते रहिए। धन्यवाद।